बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, देखो बन जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे देखो आप कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, ये आपके पास हो गया ट्राइंगल। अब देखो ध्यान से कि B से E की तरफ जाना है, E तो हमारे पास नहीं है, मतलब B E क्या एक ऑल्टीट्यूड है ना, तो ये E से ऐसे निकलेगा, ओके जी। दूसरा क्या है सी एफ, तो C से निकालना है ऑल्टीट्यूड, निकाल देते हैं, ये हो गया सी एफ, ये एक ऑल्टीट्यूड, ओके, ये आपके पास बन गई फिगर इसकी। देन देखो हमें क्या क्या गिवन है, उससे चीज हम निकालेंगे। हमें जो चीज गिवन है देखिए, सबसे पहली चीज कि ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड गिवन है और वो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है, तो जिसकी वजह से क्या होगा बी एफ सॉरी बी ई इक्वल टू सी एफ हो जाएंगे, ओके। देन एंगल अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ये होंगे दोनों क्या होंगे हमारे 90 डिग्री ईच होंगे ऑल्टीट्यूड होने की वजह से, ओके जी। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पे आपको शो करना है देखिए कि जो ट्राइंगल है एबीसी वो क्या है, एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, ये चीज प्रूफ करनी है। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है, दो साइड उसकी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए बी इक्वल टू ए सी है तो क्या होगा, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा आइसोसेलस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को देखो कि हमारे पास, इसका प्रूफ लिखता हूं मैं, आ जाइए। देखो मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, बी एफ सी ये वाला अंदर का और बी ई सी ये अंदर वाला, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। पहले मैं ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी में, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं हम। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज हमें आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ओके, ये याद रखना। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहली चीज कि हमारे पास सबसे पहले एंगल जो है बी ई सी सॉरी बी एफ सी आएगा, बी एफ सी हमारे पास क्या है, इक्वल है बी ई सी के, ओके, क्यों है भाई, 90 डिग्री की वजह से, ठीक है, हमें गिवन था। देन हमारे पास दूसरी चीज देखो बी सी, बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है, क्यों है, ये क्या होगी हमारी, एक तो कॉमन भी हो गई, दूसरी क्या है, ये एक हाइपोटन्यूज भी है, इसके सामने वाली हाइपोटन्यूज होगी, इसके सामने वाली हाइपोटन्यूज हो गई, ओके जी। हमें राइट एंगल मिल गया, हाइपोटन्यूज मिल गई, एक साइड देख लीजिए, साइड हमें गिवन है बी ई, बी ई इक्वल टू सी, ये आपके पास सॉरी एक्स बी सी एफ आएगा, ये सी एफ इक्वल टू बी ई, ये चीज है, ये इक्वल हमारे पास आ गई, ठीक है जी। ये क्यों आ गई, ये गिवन थी। तो आपके अब देखो आप इस ट्रायंगल के ऊपर आरएचएस लग गया ना यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल हमारे पास हमने जो जोन से लिए थे बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल बी ई सी के, ओके। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास इस ट्रायंगल की बात करेंगे बी एफ सी की, ठीक है, बी एफ सी के अंदर एंगल बी, ओके, एंड बी ई सी के अंदर, बी ई सी के अंदर एंगल सी कंप्लीट जो आ रहा है, ये इक्वल होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, सी पी सी टी की वजह से होंगे ना। अब देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, जिसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कहेंगे, बट ये जो एंगल है, बट दे आर आल्सो बिलोंग्स टू ट्राइंगल ए बी सी, बी और सी ट्राइंगल ए बी सी को तो बिलोंग करते हैं, एंड यहां पे हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों भाई, क्योंकि जब एंगल अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, हमने पढ़ी थी फर्स्ट उसमें, देयरफॉर यहां पे रीजन लिख लेना, साइड्स
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है जी, ये हमने करी थी, तो इसकी वजह से क्या मिला हमें कि ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, कैसे सॉल्व किया हमने। चले, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।